हरियाणा सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद गुरुग्राम की बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक साथ घूम रहे हैं। कहीं ये लापरवाही खतरनाक साबित ना हो जाए, इसका अंदेशा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी जता चुके हैं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत में ही जनजीवन पटरी पर लौटने को बेकरार है, लेकिन ये बेकरारी कहीं भारी न पड़ जाए। दरअसल प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 3 के दौरान नियमों में छूट देते हुए कई संस्थानों, दुकानों और कंपनियों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन नियमों में छूट के आदेशों के बाद साइबर सिटी में एकाएक सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई, तो वहीं सदर बाजार से लेकर सड़क तक लोगों की संख्या भीड़ में तब्दील हो गई और भीड़ में शामिल तमाम लोग कोरोना महामारी के आतंक के बावजूद जैसे बेपरवाह दिखाई पड़े और नियमों को तोड़ने में जुटे रहे। वहीं इस चुनौती से निपटने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग भी कमर कस रहा है। इस मामले में जिले के चीफ मेडिकल अधिकारी J.S. पुनिया की माने तो विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। CMO गुरुग्राम की माने तो अभी तक गुरुग्राम में 73 संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 43 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 29 संक्रमित मरीज स्पेशल कोविड अस्पताल में अपना इलाज करवाने में जुटे हैं। रूटीन एक्टिविटी शुरू होगी, ये डेफिनेटली ये इसको प्रैक्टिकली मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए उसमें काम करें तो डेफिनेटली उससे फायदा होगा और ये चैलेंज तो है ही, उसको चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामले ने गुरुग्राम जिला प्रशासन को सदमे में डाला हुआ है। ऐसे में छूट कहीं उन लोगों को भारी ना पड़ जाए जो लोग गुरुग्राम की सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं।